चंबा के सिकरी धार में स्थापित किए जाने वाले सीमेंट प्लांट और पठानकोट मंडी फोर लेन का शिलान्यास 30 अक्टूबर से पहले करवाया जाएगा। वहीं पालमपुर व हिमानी चमुंडा में स्थापित किए जाने वाले रंजू मार्ग का काम भी इसी साल शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। ये बात सांसद शांता कुमार ने पत्रकारों से कही। यामिनी परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, प्रधान सचिव आईडी धीमान और आरडी धीमान और अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने शिरकत की। इससे पूर्व मनीषा नंदा ने अपनी टीम के साथ न्यूगल क्षेत्र का दौरा भी किया, जहां पर रोप भी प्रस्तावित है। बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। सांसद शांता कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार से पर्यटन योजनाओं को लेकर शर्त में बुनियादी परिवर्तन करने का आग्रह किया गया है, ताकि लोग आगे आएं। उद्योग लगाने वालों को सरकार की जमीन 1 रुपए लीज के आधार पर देने, औपचारिकताएं प्रदेश सरकार द्वारा ही 6 माह में पूरी किए जाने और योजनाएं पूरी होने से 10 साल तक किसी किस्म का टैक्स न लगाए जाने का प्रावधान करने की बात भी कही गई है। वहीं 10 साल तक कोई कर न लगाने व उद्योग को लगाने के लिए तमाम औपचारिकताएं सरकार द्वारा 6 महीने में किए जाने के संबंधित सुझाव दिए गए। हमारे विक्रम शर्मा ने की सबके लिए, आपके लिए, तो आज की मीटिंग से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। और मैंने ये कहा कि दिल्ली में कोई काम करवाना है तो मुझे बताइए, दिल्ली में कुछ करना है, क्योंकि मैंने कहा यह बड़ा सुनहरी मौका है कि दिल्ली में भी सरकार हमारी है, यहां भी सरकार हमारी है। तो ये फिर हमने ये तय किया और अब सरकार भी रचनात्मक दृष्टिकोण से सोच रही है ये सारी बातें, तो लोग आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, कोई पैसे की कमी नहीं है, बैंकों का बहुत पैसा है। तो मुझे आज की मीटिंग के बाद उम्मीद है कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये सीमेंट का उद्योग और ये हेली टैक्सी और ये जो पर्यटन के उद्योग हैं, इनको प्रारंभ करने में बहुत धन्यवाद आपका। तो तय किया कि जो आप चंबा में शिलान्यास करेंगे सीमेंट उद्योग का, ये किसके द्वारा करवाया जाएगा? हम तो मुख्यमंत्री तो आएंगे ही, हम तो चाहेंगे दिल्ली से किसी मंत्री को लाएंगे, बस सरकार करेगी। देखिए, एक सीमेंट का उद्योग एक जिला की बेरोजगारी गरीबी दूर कर देता है। दाल्ला घाट में सीमेंट के उद्योग में 10,000 ट्रक लगे हैं, 10,000 लोग ट्रकों के मालिक हो गए, वहां पर 11,000-12,000 ट्रकों के मालिक बरमाना में हो गए। तो अच्छा, सरकार का एक नया पैसा नहीं लगा है, बरमाना में शहर बस गया। अच्छा, दूसरी बात है, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि नई बड़ी सड़कें कंक्रीट रोड बनेगी, सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है, तो अब सीमेंट क्यों ना बना। तो एक तो यह तय किया कि अक्टूबर से पहले पहले, 30 अक्टूबर से पहले पहले चंबा के सीमेंट उद्योग का शिलान्यास। एक हमने कहा कि ये जो पालमपुर मिलाकर रोपवे हैं, इनमें भी जल्दी से जल्दी इन रोपवे में भी एक या दो का काम शुरू हो इसी साल के अंदर। पालमपुर रोपवे का मामला तो अभी काफी कटाई में है, किसी ने लिया था फिर किया नहीं, अब दोबारा बिड इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसको भी अंतिम रूप देंगे। तो कोशिश है, क्योंकि देखिए धौलाधार में इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का। एक विशेष बात जो दुनिया में बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह, बर्फ से ढके पहाड़ का इतना नियरेस्ट व्यू क्लियर दुनिया में बहुत कम है। आप शिमला में जाओ, बर्फ से ढका पहाड़ आपको दिखाई देगा, आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। यह 3,000-4,000 फुट की ऊंचाई पर वैली और 14,000 फुट ऊंचा बर्फ से ढका पहाड़ रेयर है दुनिया के अंदर। और धौलाधार में इतना टूरिज्म डेवलप हो सकता है, यही सोचकर उस पुल बनाया था मैंने, जो जोड़ता है कंडी को, धौलाधार को जोड़ता है, बहुत बड़ा पुल है। नहीं देखिए, उसमें ऐसा है कि एनवायरमेंटल जो स्वीकृतियां हैं,
देखिए एनवायरमेंट फ्रेंडली ही प्रोजेक्ट होंगे, ऐसी कोई बात जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है ऐसी कोई बात सरकार किसी भी प्रकार की उसमें नहीं करेगी।